Hello everyone, a very good morning to all. Welcome to the TSN online classes. Today I'm going to explain class 11 chemistry chapter number 9, and the name of this chapter is hydrogen. The atomic number of hydrogen is 1 and the atomic mass is 1.0078. The position of the hydrogen in the periodic table. Hydrogen is the first element in the periodic table. It has a resemblance to alkali metal, which lost one electron to form a unipositive ions, as well as with the halogens, which gains one electron to form uninegative ion. Hydrogen forms oxides, halides and sulfides. Unlike alkali metal, it has a very high ionization enthalpy and does not possess metallic characteristics under normal conditions. Like halogen, it forms a diatomic molecule, combines with the elements to form hydrides and a large number of the covalent compounds. However, in terms of reactivity, it is a very low as a compared to halogen. बेटे पीरियोडिक टेबल के अंदर हाइड्रोजन फर्स्ट नंबर का एलिमेंट है और ये सभी तरह के कैरेक्टरिस्टिक्स हमें शो करता है. इट्स फॉर्म ऑक्साइड्स, इट्स फॉर्म हैलाइड्स एंड इट्स आल्सो फॉर्म सल्फाइड्स. और ये यूनिपॉजिटिव या यूनिनेगेटिव आयन के रूप में हम इसे जानते हैं. और इसके अलावा इसका जो आयनाइजेशन एंथैल्पी है वो बहुत हाई होता है एंड इट डज नॉट पोसेस मेटेलिक कैरेक्टर अंडर नॉर्मल कंडीशन. नॉर्मल कंडीशन के अंदर ये मेटेलिक कैरेक्टर को शो नहीं करता. हेलोजन की तरह यह डायएटॉमिक मॉलिक्यूल्स बनाता है एंड कंबाइन एलिमेंट्स टू फॉर्म अ हाइड्राइड एंड द लार्ज नंबर ऑफ द कोवलेंट कंपाउंड. और लार्ज नंबर ऑफ कोवलेंट कंपाउंड भी ये शो करता है. इन टर्म्स ऑफ द रिएक्टिविटी इट इज़ अ वेरी लो एज कम्पेयर टू द हेलोजन. लेकिन हेलोजन से यदि हम तुलना करें तो इसकी रिएक्टिविटी कम होती है. नाउ हियर द पोजिशन ऑफ द हाइड्रोजन इन द पीरियोडिक टेबल. सी, फर्स्ट नंबर पे हमने हाइड्रोजन को रखा है. नाउ आइसोटॉप्स ऑफ हाइड्रोजन्स. हाइड्रोजन has three isotopes, protium, deuterium and tritium. These isotopes differ from one another in respect of the presence of the neutrons. Ordinary hydrogen, protium and has no new neutrons, and the deuterium, also known as a heavy hydrogen, has one and the tritium has two neutrons in the nucleus. बेटे आइसोटॉप्स ऑफ द हाइड्रोजन टॉपिक हम क्लास 9th में भी स्टडी कर चुके हैं. चैप्टर नंबर 3 के अंदर हमने इसको स्टडी किया था. 3 और 4 दोनों के अंदर इसके बारे में इंट्रो दिया है और हमने वहाँ देखा कि जो हाइड्रोजन है इसके 3 आइसोटॉप्स हमें बेसिकली देखने को मिलते हैं. इसके अलावा और भी हैं जिनके डिटेल स्टडी हम आगे करेंगे. तो इनमें जो हमें आइसोटॉप्स देखने को मिल रहे हैं एक्चुअल के अंदर वो डिफरेंशिएशन क्या है इनके बीच में. प्रेजेंस ऑफ न्यूट्रॉन्स. तो प्रेजेंस ऑफ न्यूट्रॉन्स, यदि हम प्रोटियम की बात करें तो उसके अंदर न्यूट्रॉन प्रेजेंट ही नहीं होता. ड्यूटेरियम की बात करें तो उसके अंदर एक न्यूट्रॉन प्रेजेंट है. और यदि हम ट्राइटियम की बात करते हैं तो इसके न्यूक्लियस में 2 न्यूट्रॉन प्रेजेंट है. Of these isotopes, only tritium is radioactive and emits low energy beta particles. Since the isotopes have the same electronic configuration, they have almost the same chemical properties. The only difference is in their rates of the reaction, mainly due to their different enthalpy of the bond dissociation. तो यदि हम इन तीनों की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करते हैं तो वो सिमिलर ही होता है. वहाँ पे हमें चेंजेस देखने को नहीं मिलते बिकॉज इनका जो बेसिकली इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो तो सेम ही रहता है. तो डिफरेंस क्या आता है, ये जो न्यूट्रॉन के प्रेजेंस होने से इनके बीच में जो डिफरेंशन आया है वो कहाँ पर आएगा, रेट ऑफ रिएक्शन पे, कि वो किस तरीके से रिएक्शन के रेट को इफेक्ट करते हैं. एंड मेनली ड्यू टू देयर डिफरेंट एंथैल्पी ऑफ द बॉन्ड डिसोसिएशन, इसके ऊपर भी हमें इफेक्ट देखने को मिलता है. नाउ डाइहाइड्रोजन,
occurrence, the dihydrogen is the most abundant element in the universe, 70% of the total mass of the universe, and is the principal elements in the solar atmosphere. तो dihydrogen के बारे में यदि हम देखते हैं तो हमें क्या दिखता है बेटा कि यूनिवर्स में 70% मास जो है वो dihydrogen ने कवर्ड किया हुआ है. एंड द जाइंट प्लैनेट जुपिटर एंड द सैटर्न कंसिस्ट मोस्टली ऑफ हाइड्रोजन. जुपिटर और सैटर्न के ऊपर सबसे ज़्यादा हमें हाइड्रोजन गैस देखने को मिलती है. हाउएवर ड्यू टू द इट्स लाइट नेचर इट इज़ अ वेरी लेस एविडेंट 0.15% बाई मास इन द अर्थ एटमोसफियर. ऑफकोर्स इन द कम्बाइंड फॉर्म इट द कंसिस 15.4% ऑफ द अर्थ क्रस्ट एंड द ओशियंस. In the combined form, besides in water, it occurs in plant and the animal tissue, carbohydrates, proteins, hydrides, including hydrocarbons and many other compounds also. Preparation of the dihydrogen, yesterday hum log le rahe hain, the laboratory preparation of the dihydrogen, it is usually prepared by the reaction of the granulated zinc with the dilute hydrochloric acid. Jab जिंक के छोटे छोटे टुकड़ों से हम डायल्यूट हाइड्रोजन डायल्यूट HCl की यदि हम रिएक्शन करवाते हैं तो वहाँ पे हमें डाईहाइड्रोजन मिलती है. जैसे जिंक प्लस 2 HCl और Zn2 प्लस H2 हमें यहाँ पे देखने को मिलता है. यदि HCl के नहीं है तो Zn प्लस 2H का यदि हम लोग कराते हैं तो Zn2 देखने को मिलता है और Cl जब कम्बाइन होगा तो ZnCl2 यहाँ पर हमें देखने को मिलता है. इट कैन ऑल्सो बी प्रिपेयर्ड बाय द रिएक्शन ऑफ द जिंक विद द एक्वस एल्काई. नाउ कमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ द डाईहाइड्रोजन कमर्शियल किस तरीके से इसको बनाया जाता है. द कॉमनली यूज प्रोसेस आर द आउटलाइन बिलो. Electrolysis of the acidic water using the platinum electrodes given hydrogen. High purity dihydrogen is obtained by the electrolysis warm aqueous barium hydroxide solution between a nickel electrodes. तो 10th class में साइंस में चैप्टर नंबर फर्स्ट जो था वहाँ पर हमने इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर की स्टडी हमने किया था. और अब यदि आपको रिजल्ट उसके याद हैं तो हमें क्या देखने को मिलता है कैथोड और एनोड पे. कैथोड पे हमें हाइड्रोजन H2 जो है वो रिलीज होती है और एनोड के ऊपर हमें क्या देखने को मिलता है ऑक्सीजन गैस रिलीज होती है. इट इज़ ऑब्टेंड एज अ बाय प्रोडक्ट इन द मैन्युफैक्चर ऑफ द सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड द क्लोरीन बाय द इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ द ब्राइन सॉल्यूशन. ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलाइसिस द रिएक्शंस टेक प्लेस आर एट एनोड 2Cl माइनस इक्वल Cl2 2 इलेक्ट्रॉन माइनस साइन. एट कैथोड पे जो रिएक्शंस होती है वो हमने यहाँ पे आपको शो कराए हैं. 2Na व्हेन कंबाइंड विद द 2Cl देन द 2H2O हमारे पास रिजल्ट आता है. Cl2H2 जो है वो इस तरीके से आपस में कंबाइन होते हैं. रिएक्शन ऑफ द स्टीम ऑफ द हाइड्रोकार्बन्स और कोक एट अ हाई टेम्परेचर इन द प्रेजेंस ऑफ द कैटलिस्ट सील्स हाइड्रोजन. द मिक्सचर ऑफ द CO एंड द H2 इज कॉल्ड द वाटर गैस. एज दिस मिक्सचर ऑफ द CO एंड द H2 इज यूज द सिंथेसिस ऑफ द मैथेनॉल एंड द नंबर ऑफ द हाइड्रोकार्बन. इट इज ऑल्सो कॉल्ड द सिंथेसिस गैस एंड द साइन गैस. नाउ डेज साइन गैस इज द प्रोड्यूस फ्रॉम सीवेज सॉडस्ट एंड स्क्रैप वुड न्यूज़पेपर एक्सेट्रा. द प्रोसेस ऑफ द प्रोड्यूसिंग साइन गैस फ्रॉम द कोल इज कॉल्ड द कोल गैसिफिकेशन. द प्रोडक्शन ऑफ द डाईहाइड्रोजन कैन बी इंक्रीज बाय द रिएक्टिंग कार्बन मोनोऑक्साइड ऑफ साइन गैस मिक्सचर विद द स्टीम इन द प्रेजेंस ऑफ द आयरन क्रोमेट एट द कैटलिस्ट. Now this is called the water gas shift reaction. Carbon dioxide is removed by scrubbing with a sodium arsenate solution. How is hydrogen produced? So reforming fossil fuels and the heat hydrocarbons with steam produce H2 and the CO. Electrolysis of water use electricity to split water into O2 and the H2. High temperature electrolysis and the this process is based on the experimental and the biological process, very common in nature and the experimental in laboratories. तो इस तरीके से इसको form किया जाता है. तो यहाँ पर हम थोड़ी सी deep study लेंगे steam reforming.
Now we are going to explain you steam reforming. What you understand by this? कि form any hydrocarbons, natural gas typically use water, steam and the hydrocarbon mix at a high temperature 700 to 1100 degrees centigrade. Steam H2O reacts with the methane and CH4 when combined with the H2O. The product is CO plus 3H2O and 191.7 kilojoule mole energy जो है वो यहाँ से रिलीज होती है. द थर्मोडाइनमिक एफिशियंसी कंपेरेबल टू एन इंटरनल कम्बशन एंजिन, डिफिकल्ट टू मोटिवेट द इन्वेस्टमेंट इन अ टेक्नोलॉजी. Now carbon monoxide reforming, additional hydrogen can be recovered using carbon monoxide, low temperature 130 degree centigrade, water gas shift reaction, CO plus H2O and the product is CO2 plus H2O. Oxygen atom stripped from steam oxidizes the carbon and the liberates hydrogen bond CA and O2. So hydrogen steam reforming are shown by this diagram. Now hydrogen steam reforming plants जो हैं वो आपको यहाँ पे दिखाए गए हैं बेटे. इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर इज ऑलरेडी स्टडी इन द 10th स्टैंडर्ड चैप्टर नंबर 1. यहाँ पर देखिए हमने इलेक्ट्रोड्स जो है उनकी जगह टिन स्ट्रिप जो है वो उसको यूज़ करा है. यहाँ पे एनोड हमने बताया है, कैथोड जो है उसे शो किया गया है, टेस्ट ट्यूब लिया है हमने एंड दिस प्रोसेस इज कम्प्लीटेड बाय द 6 वोल्ट ऑफ बैटरी. तो आपको यहाँ ध्यान रखना है कि बैटरी जो है वो 6 वोल्ट की ही हमें यहाँ पर लेनी होती है. नाउ आइसोटॉप्स ऑफ द हाइड्रोजन, जो टॉपिक हमने आपके साथ लिया था इसमें हमने स्टडी किया था प्रोटियम, ड्यूटेरियम एंड ट्राइटियम के बारे में. नाउ कुछ डीपली स्टडी हम लोग ले रहे हैं यहाँ पर. 1H इज द मोस्ट कॉमन हाइड्रोजन आइसोटॉप विद एन एविडेंस ऑफ द मोर देन 99.98% बिकॉज द न्यूक्लियस ऑफ दिस आइसोटॉप्स कंसिस्ट ऑफ ओनली अ सिंगल प्रोटॉन. तो जो प्रोटियम जो है वो हमें सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है और इसकी जो एफिशिएंसी है 99.98% है बिकॉज इसके अंदर केवल एक सिंगल प्रोटॉन ही होता है. न्यूट्रॉन जो है वो एबसेंट है. इट इज़ गिव द डिस्क्रिप्टिव बट रेयरली यूज फॉर्मर नेम प्रोटियम. नाउ द सेकेंड 2H, द अदर स्टेबल हाइड्रोजन आइसोटॉप इट इज़ नोन एज द ड्यूटेरियम एंड द कंटेन्स 1 प्रोटॉन एंड द 1 न्यूट्रॉन. इट इज़ न्यूक्लियस एंड द एक्सिस्टली ऑल ड्यूटेरियम इन द यूनिवर्स इज थ्रो टू हैव बीन प्रोड्यूस एट द टाइम ऑफ द बिग बैंग एंड हैज endured since that time. Deuterium is not radioactive and does not represent a significant toxicity hazard. Water enriched is the molecules that the include the deuterium instead of the normal hydrogen is called the heavy water. Okay, now 3H is known as a tritium. इसको हम tritium के नाम से जानते हैं and contains a 1 proton and the 2 neutron. इसमें 1 proton होगा और 2 neutron present होते हैं in its nucleus and it is a radioactive decaying into a helium-3 through beta decay with a half-life 12.32 years. It is so radioactive that it can be used in a luminous पेंट. तो ये जो ट्राइटियम है ये एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट के रूप में जाना जाता है और इसको मतलब इसका जो डिके है उसका जो टाइमिंग है वो कितना है 12.32 इयर्स इसको लग जाते हैं डिके होने में और इसीलिए इसको ल्यूमिनियस पेंट के अंदर काम में लेते हैं, मेकिंग इट यूजफुल टू सच थिंग एज अ वॉचेस. द ग्लास प्रिवेंट्स द स्मॉल अमाउंट ऑफ द रेडिएशन फ्रॉम अ गेटिंग आउट. स्मॉल अमाउंट ऑफ द ट्राइटियम अकर्स नेचुरली बिकॉज ऑफ द इंट्रैक्शन ऑफ द कॉस्मिक रेज एंड द एटमोस्फेरिक गैसेस. ट्राइटियम हैज़ ऑल्सो बीन रिलीज ड्यूरिंग न्यूक्लियर वेपन्स टेस्ट. इट इज़ यूज इन अ न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन. इट इज़ ट्रासर इन आइसोटॉप जियोकेमिस्ट्री एंड द स्पेशलाइज इन अ सेल्फ पावर्ड लाइटिंग डिवाइस एंड द ट्राइटियम हैज़ ऑल्सो बीन यूज इन अ केमिकल एंड द बायोलॉजिकल लेबलिंग एक्सपेरिमेंट्स एज अ रेडियो लेबल. तो हमें इतनी ज़्यादा हमने इसके यूजेस देखे हैं कि सबसे ज़्यादा यदि हम प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम की बात करें तो वी आर सीइंग हियर दैट ट्राइटियम इज़ द वेरी एंड द वेरी यूजफुल रेडियो एलिमेंट्स. सो द नेक्स्ट
isotopes, I will be explaining to you the next part of this chapter. Thank you very much, students.